फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ दायर परिवाद में आया फैसला। एडवोकेट जिनेश सोनी बनाम सेंट पॉल स्कूल मामले में अदालत ने स्कूल को किया पाबंद। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। अधिवक्ता जिनेश सोनी ने सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में अदालत की शरण ली थी, जिस पर आज बहस के बाद फैसला सुनाया गया। जिनेश सोनी ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन को अंतरिम आदेश पारित कर ट्यूशन फीस का ही 70% फीस लेने के लिए पाबंद किया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस से छात्र का नाम भी नहीं काटा जा सकता। जिनेश सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 5 माह से स्कूल बंद है, ऐसे में ना तो पढ़ाई हो पा रही है न ही कोई धंधा व्यापार चल पा रहा है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए अभिभावकों से फीस वसूलने के लिए नोटिस भेज रहा था, जबकि हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को पैरा नंबर 19 में ट्यूशन फीस में अंतरिम राहत देते हुए 70% फीस लेने के ही आदेश दिए थे। लेकिन स्कूल संचालक अभिभावकों को भ्रमित कर ट्यूशन फीस और ट्यूटोरियल फीस के नाम पर वसूली करना चाह रहे थे। अदालत के फैसले पर सोनी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करनी चाहिए। 70% ट्यूशन फीस लेने के लिए आदेश दिए गए हैं तो वह 1.5 महीने की स्कूल फीस का 70% क्यों मांग रहे हैं? जब स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। इसके बाद ही स्कूल द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब में उन्होंने अदालत की शरण ली थी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं COVID-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc BEd, BA LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। दिनांक 7/9/2020 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल द्वारा पेश कई रिट पिटीशन पर इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके तहत स्कूल अथॉरिटीज को ऑथोराइज किया गया कि आप टोटल ट्यूशन फीस का 70% क्लेम करेंगे जो कि टोटल फीस से भिन्न होगा। इसके बावजूद भी ट्यूशन फीस को जबरन टोटल फीस से रिप्लेस किया गया और पेरेंट्स को या गार्जियन को या बच्चों को नोटिस दिए गए कि आप टोटल फीस या स्कूल फीस का 70% जमा कराएं। अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था, जिस कारण जब मुझे स्कूल से 15/9/2020 को और 17/9/2020 को नोटिस प्राप्त हुए तो मैंने इस बारे में स्कूल प्रशासन से बात की तो मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद मेरे द्वारा सिविल न्यायालय में बात प्रस्तुत किया गया। बात प्रस्तुत करने के बाद उसे दर्ज किया गया, स्कूल की ओर से अपना जवाब पेश किया गया और स्कूल ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से माना कि टोटल फीस जो है वो ₹2800 है पर मंथ, जिसको हम 1.5 महीने के हिसाब से ₹4200 करके चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जवाब में ये भी लिखा कि मैंने कोई भी नोटिस स्कूल से प्राप्त नहीं किया है, केवल एक फिल्मी स्टोरी बनाकर अपना दावा पेश कर दिया है। और ये भी उनका मत था कि ये न्यायालय इस बात को सुनने के लिए क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। कारण क्या है कि जब वाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसकी आधिकारिकता केवल माननीय उच्च न्यायालय के पास में है, जिस पर आज 30/9/2020 को आर्गुमेंट्स हुए। आर्गुमेंट्स में कोर्ट ने 2 एड इंटरिम ऑर्डर पास किए। कोर्ट का ये कहना है कि चूंकि इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश हो चुका है, इंटरिम ऑर्डर फोर्स में है, जिस कारण स्कूल को पाबंद किया गया, डायरेक्शन दिए गए कि आप मेरे बेटे सिमरप्रीत सिंह का नाम ऑनलाइन क्लासेस से नहीं काटेंगे। इसके अलावा एक ऑर्डर इसमें और भी पास किया गया कि मुझे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जो इंटरिम ऑर्डर पास हुए हैं जो कि 7/9/2020 के हैं, उसके तहत नियमानुसार जो टोटल ट्यूशन फीस निकलती है वो ही मुझे अदा करनी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मैं टोटल फीस पे करता हूँ और उसके बनस्पत में अगर टोटल ट्यूशन फीस का 70% पे करता हूँ तो वहाँ करीबन 3 से लेकर 4 हज़ार का अंतर जो है देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जो एक अवैधानिक जो एक असंवैधानिक कार्य स्कूल के द्वारा किया जा रहा था उस पर काफ़ी हद तक कोर्ट ने अपनी रोक लगाई है और कोर्ट द्वारा ये आदेश आज दिनांक को जो है पारित किया गया है।